हेलो एवरीवन, बरगद के पेड़ के नीचे बहुत ज्ञान मिले हैं बहुत लोगों को। आपको भी एक अच्छा टिप्स बता रहे हैं, एग्जामिनेशन में जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा उसके लिए जो टिप्स बता रहे हैं उसको आज से फॉलो करना शुरू करें, और इससे बेहतर जगह मुझे नहीं लगता है कोई मिलता है। तो एग्जामिनेशन हॉल का मैं टिप्स कर रहा हूँ, अभी से उसकी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि अचानक से रैंडम आप चाहोगे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और ये चीज़ यूज़ कर देंगे तो नहीं होगा। पहली गड़बड़ी क्या होती है, कई बार क्या होता है, ए बी और सी डी आपके चार ग्रुप में आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, किसी को हो सकता है स्टार्टिंग में ही बायो का क्वेश्चन आ जाए या केमिस्ट्री का आ जाए, साइंस का सवाल आ जाए, उनका साइंस मजबूत नहीं है, कोई साइंस बैकग्राउंड के उनको हो सकता है स्टार्टिंग में एंशिएंट और मिडाइवल का सवाल आ जाए, तो सवाल उठता है एंशिएंट मिडाइवल का सवाल देख के चक्कर आने लगेगा, साइंस के सवाल देख के चक्कर आने लगेगा, ऐसे एक दो तीन पेज निकल जाएगा तो कॉन्फिडेंस हिलने लगेगा। बट यहाँ पे आपको नहीं हिलने देना, आपको क्या सोचना है कि आपके लिए सवाल बना हुआ है और वो मिलेगा, ऐसा नहीं। ये मतलब ये सूडो कॉन्फिडेंस या एक गलत सूचना नहीं दे रही है दिमाग को, शानदार हो तो आपको जो है ये सूडो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये रियल बात है कि आपको उसके बाद क्वेश्चन है। लेकिन बहुत लोगों को जब स्टार्टिंग में 10 से 15 से 20 क्वेश्चन यदि किसी कारण से ऐसे मिल गए जो उनको नहीं आ रहा, नहीं बन पा रहा, तो गेम वहीं पर वो हारने लगते हैं। आपको नहीं हारना है, आपके लिए वहाँ सवाल पड़े हैं, आएगा वो सवाल जो आप बनाओगे। तो सेट के कारण कई बार क्या होता है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में नहीं बनते वो इतना टेंशन क्रिएट कर देते कि एग्ज़ाम खराब कर देते। तो एक तो ये काम आपको नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज़। दूसरा, OMR कलर करने में, OMR कलर करने में दो गलतियाँ होती, एक तो कलर करते हैं क्वेश्चन बनाते हैं, कलर करते हैं क्वेश्चन बनाते हैं, कई बार हड़बड़ी में कुछ आसान सवाल गलत हो जाता है या छूट जाता है। दूसरी गलती क्या होती है, कुछ लोग एक बार ही क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद OMR कलर करते हैं, उसमें कई बार सीरीज गड़बड़ हो जाती है, और ऐसे हर साल मुझे स्टूडेंट मिलते हैं जिनका सीरीज गड़बड़ हो जाता है। तो सीरीज हमें गड़बड़ नहीं करनी है, तो हमको OMR पे जब भी कलर करना है तो हमारे पास जैसे ही क्वेश्चन आए ना, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को आप कम से कम तीन स्टेप में बनाओ। पहली बार में 1 to 150 के बीच में वो सवाल जिसपे आपको 1% भी डाउट नहीं है, 100% आप उसको जानते हैं, उसको सॉल्व कीजिए, OMR कलर कीजिए, आपके 20-30-35 सवाल आ जाए, कम से कम आ जाए। सेकेंड राउंड में उन सवालों पे जाइए जिसपे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन वो भी आप जान लो बट थोड़ा डाउट है, उस सवाल को सॉल्व कर लीजिए, OMR कलर। तीसरे स्टेज में उसमें जाना जहां दो क्वेश्चन पे आप फंस रहे हैं, दो ऑप्शन में फंस रहे हैं, ये होगा कि वो होगा, जब वहां फंसिए उसको थर्ड राउंड में कीजिए, और जब थर्ड राउंड खत्म हो जाए फोर्थ राउंड में, या तो तीन में फंस रहे होंगे या नहीं आ रहा होगा, तो थर्ड फोर्थ राउंड में वो तुक्का वाला गेम जो है वो खेलिए, आप थर्ड राउंड आते आते सेफ कर लोगे खुद को। और ये मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल जो नहीं भी आपको आ रहे हैं ना, उसको भी आप लास्ट राउंड में निकाल लेंगे, क्योंकि आपको उसके पहले पता चल जाएगा फर्स्ट राउंड में कि आपने 35 तो सही कर लिया और वो पूरा सही है, सेकेंड में पता चलेगा अच्छा 15 और जोड़ लिए वो भी लगभग सही है, तो 40-50 के आसपास आपने बचा लिया। अब आगे जो सवाल है उसको हम अच्छे से कैलकुलेट करके उसके बाद दो ऑप्शन में फंसोगे, वहां से भी 10-15 ऐसे निकलेंगे। तो इस तरह से करके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम एक बेहतर चीज कर सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं। और ये बहुत ही एग्जामिनेशन हॉल का जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपकी सारी पढ़ाई पानी में जा सकती है। अगर आपने उस एग्जामिनेशन हॉल को मैनेज नहीं किया, उसके अंदर के प्लान के साथ आप नहीं गए, तो आपका जो पढ़ा हुआ चीज है वो साथ हो सकता है ना दे। तो बेहतर है कि इन सब चीजों को अभी से अप्लाई करना शुरू करें। और बेहतर मतलब कमाल का जो है ना आउटपुट आपको एग्जामिनेशन हॉल में टेंशन के माहौल में भी देते हैं।